कैंसर केयर फाउंडेशन एम केशव पोरवाल हॉस्पिटल के सानिध्य में कैंसर जागरूकता विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जयपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने बताया कि विगत 16 वर्षों से भिलवाड़ा में कैंसर के लिए किए जा रहे महीने के पहले रविवार को कैंसर कैंप में विभिन्न रोगियों को परामर्श दिया जाता है एवं चुनिंदा मरीजों को निःशुल्क जांच और उपचार किया जाता है। भिलवाड़ा कैंसर फाउंडेशन के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पीएम बेसवाल ने बताया कि फाउंडेशन के माध्यम से विद्यालय में जाकर बच्चों के बीच जागरूकता शिविर और स्वास्थ्य जीवन शैली की बात समझाई जाती है। औद्योगिक संस्थानों में जाकर श्रमिकों के बीच जागरूकता के कार्यक्रम, महिलाओं के बीच जाकर महिलाओं से संबंधित कैंसर के बारे में जानकारी दी जाती है। बलराज आचार्य ने बताया कि विगत 8 वर्षों से भिलवाड़ा में मैमोग्राफी की मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आर्थिक कमजोर मरीजों को निःशुल्क इलाज किया जाता है। ब्लड कैंसर को गोद लेकर उनके जीवन काल तक की दवाइयां भी निःशुल्क दी जाती है। कैंसर परामर्श एवं जांच शिविर 12 जून रविवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक राजीव गांधी ऑडिटोरियम के पास केपी टावर में होगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो हमें ये जानना कि क्या कैंसर की रोकथाम संभव है। रोकथाम संभव कैंसर की, जिसमें मुख्य कारण हम देखें तो कैंसर लाइफस्टाइल डिजीज माना जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोहन शर्मा हूँ। मैं जयपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 15 वर्ष से हम लोग भीलवाड़ा में हर महीने पहले रविवार को एक कैंप करते हैं। इस बार किसी कारणवश दूसरे रविवार को हो रहा है। इस कैंप के माध्यम से हम लोग जो पेशेंट जिनको कैंसर की संभावना है उनको परामर्श देते हैं, किसी का डायग्नोसिस कंफर्म करना हो तो वो कोशिश करते हैं। मेमोग्राम नाम की एक मशीन जिसमें ब्रेस्ट कैंसर में जिनको स्तन में गांठ है उन महिलाओं की जांचें इस कैंप में फ्री करी जाती है। इस कैंप के माध्यम से कई प्रकार के रोगियों को जो दवाइयाँ दे सकते हैं, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, दवाई नहीं ले पा रहे हैं, उनमें भी हम लोग मदद कर पाते हैं। भीलवाड़ा कैंसर केयर फाउंडेशन पिछले 10 साल से इस कार्य में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जिसके माध्यम से कैंप कर रहे हैं। मरीजों को कुछ जांचों में मदद हो रही है, कई सारी मरीजों को दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कल सुबह केपी टावर में राजीव गांधी ऑडिटोरियम के बगल में एक कैंप का आयोजन किया गया, जो कैंसर परामर्श शिविर होगा और सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक उसमें कैंसर रोगियों को या संभावित रोगियों को देखा जाएगा। नमस्कार।